हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फोर क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 14 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा टॉपिक है लेसन फेयर प्ले। सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है और इनमें आपको जो है इनके आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो कौन है, आपको उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर जो है मैं नाम जो है कोई भी आप नाम लिख सकते हो अपने बेस्ट फ्रेंड का, लाइक रवि। ठीक है, आप इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस गिवन है। सो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। तो बेटा आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है। हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत हेल्पफुल नेचर का हो, आपकी स्टडी में हेल्प करता हो, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। तो जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। लाइक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी क्वालिटी है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डज योअर बेस्ट फ्रेंड लिव। तो बेटा कहाँ रहता है आपका बेस्ट फ्रेंड। लाइक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दिल्ली, आपका बेस्ट फ्रेंड जहाँ रहता है वहाँ पर आप इसका नाम लिख सकते हैं। व्हाट डज योअर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट। आपका बेस्ट फ्रेंड जो है बेटा क्या खाना पसंद करता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ खीर, ठीक है, राइस, तो ये जो है लिख दी हमने। उसके बाद देखिए आपका बेस्ट फ्रेंड को, आपको पता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड को अच्छा क्या लगता है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपके बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। लाइक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइंस, साइंस इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। सो आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो है पैसेज गिवन है, एंड इस पैसेज को हमें अच्छे से पढ़कर कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग्स ऑफ द पैसेज, सो जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। तो बेटा जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है वो अच्छे फ्रेंड्स थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वैन ईदर ऑफ दैम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। सो उनका जो बॉन्ड था बेटे फ्रेंडशिप का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। इवन इतना स्ट्रांग था कि अगर एक जो है विलेज से बाहर जाता तो दूसरा जो है उसकी फैमिली की क्या करता था, लुक आफ्टर करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों ही जो है गाँव में विलेज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे लोगों के बीच। ठीक है, जो दोनों जो है उनकी बहुत गांव वाले क्या करते थे, विलेजर्स, वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। उनका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन जो है बेटा, जुम्मन की एक आंटी थी, ओल्ड आंट, और जिनके पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टी थी। देश शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड वुड लुक आफ्टर हर। और उनकी आंटी ने बेटा क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दिया। शी ट्रांसफर टू हिम, ठीक है, ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये सोचकर दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो जो है उनके साथ रहेगी, एंड वुड लुक आफ्टर हर, और वो जो है क्या करेगा कि जुम्मन उसकी देखभाल करेगा, उसको लुक आफ्टर करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कुछ टाइम तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, देन द सिचुएशन चेंज। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो जो है उन अपने ओल्ड रिलेटिव से, जो उनकी आंटी थी, उनसे जो है परेशान हो गई थी, थक गई थी। ठीक है, यानी कहते हैं ना कि उनकी सेवा करते करते थक गई या उनसे परेशान हो गई थी, तो वो जो है यहाँ पर बताया गया है। जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। तो बेटा उनकी जो वाइफ थी जुम्मन की, वो ओल्ड आंट की लुक आफ्टर करना पसंद नहीं करती थी, और जुम्मन भी अब ऐसा ही हो गया था अपनी वाइफ की तरह ही। हु ग्रज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। और वो जो फूड था, जो ओल्ड लेडी को वो फूड देते थे डेली, फूड तो बेटा ओल्ड लेडी को डेली चाहिए था, तो जो फूड देते थे वो भी अब अच्छी जो है फीलिंग के साथ नहीं देते थे। ठीक है, यानी उनके जो ओल्ड लेडी है बेटा, उनके प्रति जो जुम्मन है, उसकी फैमिली है, उनके मन, वो उनकी तरफ जो काइंड हार्टेड नहीं थे, उनके लिए फीलिंग्स उनके लिए अच्छी नहीं थी। शी स्वेलॉट दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब जो लेडी थी बेटा, ओल्ड लेडी, वो खाने के साथ साथ इंसल्टेड वर्ड को भी जो है स्वेलॉट कर रही थी। यानी यहाँ पर क्या दिखाया गया है, स्वेलॉट क्या होता है, निगलना।
कि वो फूड को तो निगल ही रही थी, साथ में फूड के द्वारा, फूड देते समय जो उनको इंसल्टिंग वर्ड कहे जाते थे, उनको एब्यूज किया जाता था, तो वो भी जो है साथ साथ क्या कर रही थी, स्वेलॉट कर रही थी, निगल रही थी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, लेकिन हर चीज की क्या होती है, हर चीज की एक जो पेशेंस होता है एक लिमिट होती है, लेकिन एक आया ना कि पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो बेटा इस पैराग्राफ में आपने क्या सीखा, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की फ्रेंडशिप जो है, वो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वो अच्छा था। जुम्मन की आंटी थी जिसके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा दी गई जुम्मन के नाम पे, उनको लगा कि ये मुझे रखेगा और मेरी देखभाल करेगा, बट उसकी फैमिली ने ऐसा नहीं किया, वो लोग उसके तरफ जो है काइंड हार्टेड अभी नहीं थे। सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो बेटा ये जो है हेल्प बॉक्स गिवन है, यहाँ से आपको वर्ड्स लेकर और इनमें फिल करने हैं। सो ए देखिए, डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। तो बेटा कौन थे गुड फ्रेंड्स, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आप फर्स्ट, ये सेकंड। उसके बाद देखिए, जुम्मन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की क्या थी बेटा, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट जिसके पास क्या थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ, तो वो उसी तरह से बदल गया था जैसे उसकी वाइफ थी, ठीक है। जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ द ऑल रिलेटिव, जुम्मन एंड हिज फैमिली, तो उसकी फैमिली टायर्ड हो गई थी ना बेटे, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। तो ये डी का आंसर हो जाएगा आपका, फैमिली। उसके बाद देखिए ई पार्ट, जुम्मन आंट स्वेलॉड द डैश, क्या क्या स्वेलोड कर रही थी वो, इंसल्ट। जुम्मन आंट स्वेलोड द इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ, ठीक है। तो ये आप आंसर लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट में आएगा जुम्मन शेख अलगू चौधरी, बी के सेकंड में आएगा बेटे एन ओल्ड आंट, सी में आएगा हिज वाइफ, डी में आएगा जुम्मन एंड हिज फैमिली एंड जुम्मन आंट स्वेलॉड द इंसल्ट एंड सेवेंथ नंबर पे आएगा फूड। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर से चेक भी करवा लेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और बेटा चैनल जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।